समीर, समीर क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि बाहर आने जाने वाला हर आदमी इतना परेशान नहीं होगा जितना कि मैं। हीना तो अपने घर चली गई, मगर मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी करके गई। अब हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है कि वो आखिर गई क्यों? क्या जवाब दूं मैं उनको? कैसे जवाब दूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर हीना में ऐसी कौन सी बात है जिससे हर कोई उसके बस में है। तुम्हारे घर वाले तो एक तरफ, उस दिन अकरम आया था मुझसे मिलने। वो ये चाहता था कि मैं हीना के रास्ते से हट जाऊं, और जब मैंने इनकार किया तो पता है उसने क्या किया? क्या किया उसने? उसने मेरा एहसान लेने से इनकार कर दिया और प्रोजेक्ट की फाइल टेबल पर पटक कर चला गया। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। समीर, अगर तुम उसके जगह होते ना तो मेरे खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी कभी नहीं देते। तुम जानती हो रूबी कि एक तुम्हारी खातिर मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हीना को तलाक दिया तुम्हें गवाह बनाकर। अगर तुमने ऐसा किया तो अपने प्यार का इम्तिहान दिया है। अब देखना यह है कि जो अकरम ने मेरे साथ किया उसके लिए तुम क्या करते हो। अकरम, मैं तुझसे इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि तुझे मेरे साथ रूबी के पास चलना होगा, और जिस लोन को तुमने ठुकराया है उसे वापस लेना होगा। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए रूबी से। इसके बल पर तेरा ख्वाब हकीकत का रूप लेगा अकरम, और फिर तेरा ख्वाब हकीकत में बदल जाए इससे मुझे कितनी खुशी होगी, तेरे अब्बू को कितनी खुशी होगी। क्या तू हमसे ये खुशियां छीन लेना चाहता है? समीर, जिसने हीना की खुशियां छीनी उससे मैं अपने अब्बू की खुशियों की भीख कैसे कबूल कर सकता? हीना के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये सोचना तेरा काम नहीं है अकरम। लेकिन अगर ये तेरा काम है तो मैं देख रहा हूं उस काम में तुझे कितनी दिलचस्पी है। समीर, अपनी बीवी को छोड़कर एक गैर लड़की की हिमायत करना, वो भी इन हालात में, बड़ी शर्म की बात है। सर, रूबी मेरा प्यार है। हीना तेरी बीवी है समीर, तूने उससे शादी की? शादी नहीं, वो एक समझौता है। ओ, तो हीना से शादी बाद में हुई और रूबी से प्यार पहले? समीर, क्यों उस मासूम की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी? क्यों की तूने हीना से शादी? रूबी से शादी क्यों नहीं कर ली? रूबी मेरे माँ बाप को पसंद नहीं थी अकरम, उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जिससे उनके खानदान की रिवायत बनी रहे। वो हीना को अपने घर की बहू बनाकर तो ले आए, लेकिन मेरी दुल्हन न ला सके, और आज तक हीना मेरी दुल्हन न बन सकी। और अगर मेरी नीयत और मेरी चाहत में खोट होती तो आज तक हीना को उसके शोहर का प्यार मिल चुका होता। लेकिन तूने कभी यह भी सोचा है समीर कि बेचारी हीना का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझसे मेरी चाहत छीन ली गई? हर किसी को हीना पर तरस आता है, कोई मेरे दिल में झांककर क्यों नहीं देखता कि मैं कितना तड़प रहा हूं? लगता है समीर तू प्यार का मतलब ही नहीं समझा और प्यार करने चल पड़ा। प्यार पाने का नहीं, खो देने का नाम है। और ये बात तू कब समझेगा यार? मुझे कुछ नहीं समझना है अकरम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रूबी मेरी है और मैं रूबी के लिए हूं। और तू हमारे झमेले में पड़कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को क्यों फरामोश कर देना चाहता है? क्यों? जा के रूबी से अपनी फाइल ले ले। जब तक हीना को उसका शोहर वापस नहीं मिल जाता तब तक रूबी से वो फाइल वापस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समीर, तू मेरा ख्वाब बिखरते हुए नहीं देख सकता ना, तो मैं भी आंसू पीती और जुल्म सहती हीना को नहीं देख सकता। आंसू पीना और जुल्म सहना अब उसने छोड़ दिया है अकरम, और यही वजह है कि आज वो मेरे घर में नहीं बल्कि अपनी मां के घर में है। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा करे आपकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई ना हो कि हीना को किसी भी बात का गम हो। ऐसा तसव्वुर मेरे ख्वाब में भी आए तो मैं डर जाता हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब भी हीना को देखता हूं मुझे लगता है कि उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने कई बार जानने की कोशिश की लेकिन
वो हमेशा उखड़ा उखड़ा सा जवाब देती है। आप तो पूना गई थी, आपको नहीं मालूम मैंने इस बच्ची को किस हालत में देखा है। बराहे करम सच्चाई जानने की कोशिश तो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ बखुरदार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? खैरियत तो है? खुदा का कर्म है। अंकल मैं दरअसल हीना से मिलना चाहता था, मिल सकता हूँ? हाँ हाँ बेशक, जाओ अंदर है, मिल लो। अकरम आया है, जरूर कुछ जानता होगा, आप उसी से पता लगाइए ना। नहीं बेगम, हमें अपनी तौर से सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अकरम से इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं होगा। इस तरह गुमसुम उदास रहकर तुम अपने आप को कब तक सजा देती रहोगे? मैं तो ठीक हूं, बस बस बस, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी हकीकत जान गया हूं। सारी हकीकत? हाँ, समीर और रूबी से मिलकर मैंने सारी बातों का पता लगा लिया कि समीर ने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, उसके और रूबी के तालुकात के बीच तुम पिसती रही और शिकायत तक नहीं की। और कुछ? हाँ, हीना तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, समीर भटक गया और उसे तुम ही राह पे ला सकती हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम उसके घर वापस लौट जाओ, जो कि तुम्हारा अपना घर भी है। जब समीर ही मेरे नहीं हुए तो उनके घर को मैं अपना घर कैसे समझ सकती हूँ? हीना तुम जिंदगी से हार कर यहां बैठी हुई हो, इसलिए मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी ताकत बनके। यही वजह है कि रूबी से जुड़े अपने बिजनेस रिलेशनशिप को तोड़ के मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम अपने आप को अकेला ना समझो। मेरे लिए तुम्हें रूबी से नाता नहीं तोड़ना चाहिए था, उसकी मदद से ही तुम्हें कामयाबी मिली है। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है, अपना इरादा बदल दो हीना, समीर के घर को ही अपनी मंजिल समझो और उसे पाना अपनी जिंदगी का मकसद। यूं समझो कि जंग मैदान में रहकर ही लड़ी जा सकती है, और अगर तुम इस तरह मैदान छोड़ दोगी तो रूबी को मौका मिल जाएगा कि वहां अपना कब्जा जमा सके। दूसरों के साथ ना लड़ने के लिए इंसान को अपने आप से लड़ना पड़ता है, और वही मैं कर रही हूं। समीर रूबी के साथ खुश है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनकी खुशियां छीन लूं। लेकिन ये तुम्हारा हक है, तुम बीवी हो उसकी। खुदा के लिए अब और कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे आगे कुछ नहीं कहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया है और मैं इसे बदलने वाली नहीं। तो फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए, ओके? आप बैठ जाइए। तुम? मैं यहाँ आप ही का इंतजार कर रही थी। ओह, तो हीना की वकालत करने के लिए तुम मेरे पास आई? मैं किसी की वकालत करने नहीं आई, बल्कि आपके जमीर को जगाने आई हूँ और आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप हीना को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। सजा तो मुझे मिल रही है, मेरे दिल मेरे जज्बात के साथ बेइंसाफी हो रही है रूबी के साथ। मैं सब जानती हूँ, और अगर आपको अपनी बेइंसाफी पर शोर मचाना था तो अपने माँ बाप के सामने मचा दे। हीना की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ, हीना के साथ न मेरा कोई वास्ता था, न है और न रहेगा। वाह समीर साहब वाह, लगता है आपने बचपन में बहुत गुड्डे गुड्डियों के खेल खेले हैं जिनका शौक आज तक नहीं गया। तभी आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को खेल समझ कर जब जी चाह जोड़ दिया और जब जी चाह तोड़ दिया। देखो बोलो, ये मेरा आखिरी फैसला है। हीना ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया होगा कि मैंने उसे दूसरा तलाक भी दे दिया है। जानती हूँ, और हैरान की तो इस बात की है कि अपनी इस घिनौनी हरकत पर आपको जरा भी अफसोस नहीं हुआ। अरे इंसान जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता, और आपने आपने तो डूब मरने वाली हरकत की है। चलो चिल्लाइए मत,
चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई। सिर्फ आपको आईना दिखाने आई हूँ ताकि आपको अपनी असली सूरत दिखाई दे और आपको अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन आप तो अंधे निकले, ना आपको अपने घर की बर्बादी नजर आ रही है, ना ही ना की बेबसी, उसकी तड़प और उसकी वो जिंदगी जिसे आप अपने हाथों तबाह कर रहे हैं। आप सिर्फ हिना जैसी कमजोर लड़की के जज्बात को चलना जानते हैं। आप जालिम तो हैं ही, साथ में बुजदिल भी हैं। Get out. जा रही हूं। मुझे भी यहां रुकने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, आपकी कलाइयों के लिए चूड़ियां भिजवा दूंगी, पहन लेना।